हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मींस आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसका प्रिंसिपल, उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मेथड है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी जो अपलोड किया है इसका लेक्चर वीडियो, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग की सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी की जाती है, मतलब डिटेल स्टडी करते हैं हम साइंटिफिक तरीके से ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमको नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन होते हैं, प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से हमको जो ऑप्टेन होते हैं, जिसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। इन क्रूड ड्रग्स को डिफरेंट मेडिसिनल प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के फॉर्मुलेशन में इसको यूज किया जाता है। तो जैसे कि किसी का प्लांट्स का रूट हो गया, किसी का लीव्स हो गया, किसी का फ्लावर, किसी का फ्रूट यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अश्वगंधा और सर्पगंधा का रूट यूज किया जाता है, तो वो रूट क्या कहलाएगा, रूट जो है क्रूड ड्रग कहलाता है। तो इसी का हम डिटेल स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में, मींस वो क्रूड ड्रग जो है उसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, मतलब कि जैसे अश्वगंधा का रूट है तो वो जो रूट है उसका बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब कौन से प्लांट फैमिली, उसकी सो कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, जैसे प्लांट्स उसको ऑब्टेन करते हैं, उसका मेथड ऑफ कलेक्शन, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग फॉर द मार्केट, उसके बाद उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस क्रूड ड्रग में जिसकी वजह से वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, उसके साथ साथ उसमें उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है उसको स्टडी की जाती है फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, फॉर इट्स क्वालिटी और प्यूरिटी को चेक करने के लिए। साथ ही हम उन क्रूड ड्रग्स की क्या क्या उसके यूजेस है, क्या मेडिसिनल यूज है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, फिजिकल इवेल्युएशन, फिजिकल पैरामीटर स्टडी किया जाता है उस क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी और प्यूरिटी को चेक करने के लिए। तो इस तरीके से हम उस क्रूड ड्रग का डिटेल स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है फॉलो किया जाता है। होलिस्टिक मतलब क्या होता है, मींस किसी भी इंडिविजुअल हो गया या उसके हेल्थ हो गया या उसे डिसीज को उसको ट्रीट किया जाता है, उसको देखा जाता है एज अ होल, होल मींस कंप्लीटली उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है, और उसमें जो उसका जो डिसीज है उसको ट्रीट किया जाता है नॉट ओनली बाय द मेडिसिन, मीन्स उसको ड्रग देके, मेडिसिन देके सिर्फ उसको ठीक नहीं किया जाता है, बट उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि उस वो जो डिसीज है वो उसका उसका जो रूट कॉज है वो कम्प्लीटली उसके बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, मीन्स उसका जो रूट कॉज है वो कम्प्लीटली जो है पॉजिटिव एजेंट है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए ताकि वो फिर से रिकर ना हो बॉडी में। जैसे कि यहाँ पे होलिस्टिक ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, मतलब मेडिसिन के साथ साथ उसमें जो उसका जो डाइट है उस डाइट में क्या उसको लेना है, क्या नहीं लेना है, उसके अलावा अदर जो प्रैक्टिसेस है, अदर जो एक्टिविटीज है उसको इंक्लूड, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा, वो सारी चीजों से क्या किया जाता है, सारी चीजों से उस पर्टिकुलर डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम मोस्टली जो है प्लांट बेस्ड होता है, मीन्स प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट डिराइव प्रोडक्ट जो है यूज किए जाते हैं, प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट, किसी मेडिसिनल प्लांट्स के उसके रूट को, किसी का स्टेम, किसी का फ्लावर, किसी का लीफ, किसी का फ्रूट, इस तरीके से यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। डिफरेंट टाइप्स के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होते हैं, जैसे कि लिक्विड प्रिपरेशन हो गया, लिक्विड प्रिपरेशन में हो गया क्वाथ हो गया, क्वाथ के अलावा लिक्विड प्रिपरेशन में जैसे कि असाव हो गया, अरेस्ट है, असाव अरेस्ट दोनों क्या होते हैं, दोनों फर्मेंटेड प्रिपरेशन होते हैं, मतलब कि ये अल्कोहल कंटेनिंग, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन होते हैं। तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में आता है आयुर्वेदा में, जैसे कि लेपा हो गया, लेपा मीन्स ऑइंटमेंट, या घृता हो गया, मतलब घी कंटेनिंग प्रिपरेशन, या अवले हो गया। तो ये जो है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में आते हैं। सॉलिड प्रिपरेशन में क्या आते हैं, जैसे कि गुटिका हो गया, वटी हो गया, इसके अलावा पाउडर प्रिपरेशन, इसको हम चूर्ण बोलते हैं, इसके अलावा भस्म, भस्म क्या होता है, भस्म ये वेजिटेबल ओरिजिन या मिनरल ओरिजिन का ऐश होता है जिसको हम भस्म बोलते हैं। तो ये डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसको यूज किया जाता है। तो मोस्टली इसमें प्लांट बेस्ड होता है ये, और बहुत ही कम परसेंटेज में इसमें एनिमल और मिनरल डिराइव्ड होते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो नेचुरल सोर्स जो है क्रूड ड्रग के, ये क्या होते हैं, ये फार्माकोग्नोसी का पार्ट है, मीन्स फार्माकोग्नोसी में ही इसकी डिटेल स्टडी की जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा
लिखा है फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग हेल्प इन, मतलब कि जो हम फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग की जो डिटेल स्टडी करते हैं तो वो आयुर्वेदा में कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड फॉर द हर्बल ड्रग, मतलब कि जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन में आप देखे होंगे कि जितने भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें कोई एक या दो प्लांट प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें क्या होते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स बहुत सारे क्रूड ड्रग्स जो है उसमें मिले हुए होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ क्रूड ड्रग होते हैं उसमें, इसी कारण से उसको हम क्या बोलते हैं पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन, पॉली हर्बल प्रिपरेशन बोला जाता है क्योंकि उसमें एक या दो मेडिसिनल प्लांट, बहुत से मेडिसिनल प्लांट मिलके वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनते हैं। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स, ये जो क्रूड ड्रग क्या होते हैं, यही क्रूड ड्रग जो है रॉ मटेरियल होते हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाने के लिए। तो हम उन क्रूड ड्रग जो है, उन हर्बल ड्रग्स के फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं बाय डिफरेंट पैरामीटर से, मतलब कि डिफरेंट स्टडी की जाती है फार्माकोग्नोस्टिक की स्टडी से, हम फार्माकोपियल स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड लिमिट जो है डेवलप किया जाता है उस क्रूड ड्रग का, और ताकि हम जब भी वो क्रूड ड्रग को यूज किए करें ताकि उसकी आइडेंटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्यूरिटी को हम चेक कर सकें बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड लिमिट। तो हमने यहाँ पे समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का स्टैंडर्ड लिमिट हम डेवलप करते हैं बाय डिफरेंट फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी, मतलब डिफरेंट जो इवैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है और अश्वगंधा का स्टैंडर्ड लिमिट जो है तय किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ताकि हम उस कोई भी अश्वगंधा है जिससे हम डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, प्यूरिटी, उसकी आइडेंटिटी को चेक कर सकें। तो हम फार्माकोपियल डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट जो स्टैंडर्ड फार्माकोग्नोस्टिक पैरामीटर्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, जैसे कि अश्वगंधा का यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है फॉर एन ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें NM मतलब कि यहाँ पे नॉट मोर देन, तो नॉट मोर देन 2% होना चाहिए, टोटल एस जो है नॉट मोर देन 7%, एसिड इनसॉल्युबल एस जो है नॉट मोर देन 1.2%, नॉट मोर देन 1.2%, और यहाँ पे अल्कोहल सॉल्युबल जो है ये मैटर जो है नॉट लेस देन 60%। तो ये क्या है, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट जो है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड लिमिट है किसका, अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा को यूज करके मीन्स अश्वगंधा के रूट को यूज करके अगर कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाना है, जैसे कि अश्वगंधा वटी बनाना है, तो अश्वगंधा वटी को बनाने के लिए जब हम अश्वगंधा के रूट को एज अ रॉ मटेरियल जब यूज करते हैं, या जितने भी क्रूड ड्रग हम उस को कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है उसको हम उस स्टैंडर्ड लिमिट से क्या करते हैं कंपेयर किया जाता है, मीन्स वो रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट पैरामीटर्स उसमें फॉलो किया जाता है, डिफरेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर स्टडी की जाती है, और उसमें जो वैल्यू आई है उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू से, स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर करते हैं टू चेक इट्स क्वालिटी, प्यूरिटी और उसकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। अगर वो स्टैंडर्ड लिमिट वो फॉलो करता है देन उसके बाद हम उस अश्वगंधा को, उस अश्वगंधा क्रूड ड्रग को मीन्स या रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो इस तरीके से हम क्रूड ड्रग के फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी करके हम फार्माकोपियल स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, ताकि वो जो क्रूड ड्रग जो हम यूज कर रहे हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाने के लिए वो क्या हो, स्टैंडर्ड का हो, मीन्स उसकी क्वालिटी, उसकी प्यूरिटी और उसकी आइडेंटिटी सही हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड रूल ऑफ फार्माकोग्नोसी है इन द आयुर्वेदा इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग। मतलब हम क्या करते हैं, हम फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है उसको हम स्टडी करते हैं। हम क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं फार्माकोग्नोसी में थ्रू द मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, थ्रू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन मतलब कि सेंस ऑर्गन के थ्रू हम उसके कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप वगैरह उसको स्टडी की जाती है ताकि हम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सके उस क्रूड ड्रग का, मीन्स वो क्रूड ड्रग जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो है कि नहीं है, मतलब कि जो अश्वगंधा का रूट जब हम यूज कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी से, माइक्रोस्कोपिक स्टडी से या फिजिकल एंड केमिकल इवेल्यूएशन से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो अश्वगंधा जो रूट यूज कर रहे हैं वो अश्वगंधा का ही है, ये श्योर किया जाता है। तो हम फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी से उस क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं बाय डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड
तो इस क्रूड ड्रग को आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में यूज करने से पहले उसके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अलावा उस क्रूड ड्रग में कोई मिलावट है या नहीं है उसको भी चेक करते हैं. मीन्स इट इज ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट्स, मतलब कि फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी से हम उस क्रूड ड्रग में अगर कोई मिलावट है या कोई सब्स्टिट्यूशन है उसको भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. साथ ही अगर उस क्रूड ड्रग के अलावा अगर हम कोई और सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं ये भी हमको पता चलता है बाय द फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी. तो इस तरीके से हम उस क्रूड ड्रग को जिसको यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, तो उस क्रूड ड्रग के आइडेंटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी और प्यूरिटी भी चेक की जाती है इन द फार्माकोग्नोसी. हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है. सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से क्या किया जाता है. माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन मतलब कि हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स के हिस्टोलॉजिकल स्टडी की जाती है उस क्रूड ड्रग के. जैसे कि लीव्स के केस में, लीव्स के केस में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्पेसिफिक जो क्रूड ड्रग होते हैं अगर वो लीफ है तो उसमें स्पेसिफिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वसाका हो गया या पिपरमेंट हो गया, उसमें डायसाइटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा होता है, निसोसाइटिक, एनिमोसाइटिक, पैरासाइटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो ये स्पेसिफिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट उस लीव्स में है तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब अगर पिपरमेंट है तो वसाका है तो उसमें डायसाइटिक टाइप का स्टोमेटा ही प्रेजेंट होगा, तो वो उसकी आइडेंटिटी होती है. हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया कि किस तरीके से डायसेटिक स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा होता है वो सराउंडेड होता है बाय द टू सब्सिडरी सेल, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं. दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीलेट, मतलब कि उसमें जो है जिसमें देखा जाता है कि उस क्रूड ड्रग में कि इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल प्रेजेंट है कि नहीं है, इस तरीके से हम उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं. उसमें एडल्ट्रेंट्स, उसमें मिलावट को पता लगाया जा सकता है. जैसे कि एग्जांपल पाउडर्ड क्लोव, तो क्लोव का हम क्या यूज करते हैं, क्लोव का हम फ्लावर बर्ड यूज किया जाता है. तो उस क्लोव का जो पाउडर है उसमें मिलावट है या नहीं उसको हमको अगर पता लगाना है, तो क्लोव के पाउडर को अगर हम किसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाने के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पर हम उसकी प्योरिटी उसकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं. तो पाउडर जो क्लोव होता है, पाउडर मतलब कि फ्लावर जो बड होता है क्लोव का, उसमें स्टोन सेल और कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है. बट अगर उस क्लोव पाउडर ड्रग में अगर क्लोव स्टॉक जो है क्लोव स्टॉक का या को अगर मिला दिया जाए, क्लोव स्टॉक के पाउडर को मिला दिया जाए, तो क्योंकि क्लोव स्टॉक के पाउडर में दोनों मींस स्टोन सेल और कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट होता है, तो क्लोव के पाउडर में आपका अगर ये प्रेजेंट आता है स्टोन सेल और कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल, इसका मतलब उस क्लोव के पाउडर में इस क्लोव के स्टॉक के पाउडर का मिलावट है. तो इस तरीके से हम उस क्रूड ड्रग के प्यूरिटी को चेक कर सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी पर्पज के लिए भी, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई अगर मिलावट कर दिया जाए जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, अनसेफ हो, जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट हो, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट ट्राइकोम्स की भी स्टडी की जाती है, ट्राइकोम्स से भी आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि नक्स वोमिका जो होता है उसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है. ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ट्राइकोम्स जो एपिडर्मल लेयर पे जो सरफेस पे जो हेयर्स होते हैं उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं. तो ट्राइकोम्स से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि पिपरमेंट में ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होता है, नक्स वोमिका में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं. तो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन सेल से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रूड ड्रग का, और उसकी प्योरिटी को चेक की जाती है. तो इस तरीके से हम जो क्रूड ड्रग जो यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, वो क्रूड ड्रग को हम फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी से उसको हम करेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को चेक किया जाता है, और उस ऑथेंटिकेटेड ड्रग को जब हम यूज करते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए, तो वो हमको क्या एश्योर करता है, उस फॉर्मुलेशन क्या होगा, उसका प्रॉपर थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा विथ लेस साइड इफेक्ट. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. इसके बाद आते हैं थर्ड, फार्माकोग्नोसी का रोल क्या है. फार्माकोग्नोसी का थर्ड यहाँ पे रोल लिखा हुआ हमने इन द डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स. मतलब फार्माकोग्नोसी में हम जो क्रूड ड्रग पढ़ते हैं तो क्रूड ड्रग में कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से उसका मेडिसिनल इफेक्ट है उसकी स्टडी की जाती है. तो डिफरेंट जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में जो हम मेडिसिनल प्लांट्स यूज करते हैं, क्रूड ड्रग्स यूज करते हैं, जितने भी क्रूड ड्रग्स, उन क्रूड ड्रग्स में ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो उन क्रूड ड्रग्स के केमिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है.
डिटेक्ट करने के बाद उन क्रूड ड्रग के केमिकल को आइसोलेट करते हैं, जिससे हमको ये आइडिया पता चलता है कि वो जो थेरेप्यूटिक अफेक्ट हो रहा है वो कौन से केमिकल की वजह से होता है। जैसे कि जैसे सर्प गंदा हो गया, रॉल्फिया हो गया, तो रॉल्फिया का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? रजपिन की वजह से होता है। तो डिफरेंट रॉल्फिया या अश्वगंधा हो गया, तो अश्वगंधा प्रिपरेशन जितने भी हो गया, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो कौन से केमिकल है, तो उसका जो है डिटेक्शन आइसोलेशन जो है वो फाइटोकेमिकल्स का, वो भी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। तो ये हो गया रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। थैंक यू।